हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 22 मई को होने वाली स्मैकडाउन लाइव के प्रीव्यू के बारे में। गाइस, नेक्स्ट स्मैकडाउन होने वाली काफी धमाकेदार। नेक्स्ट स्मैकडाउन पर हमें भर भर के मैचेस देखने को मिलेंगे। WWE बैकलैश पेपर के लिए स्मैकडाउन की तरफ से मैच कंफर्म करेगी। और गाइस, हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर देखने को मिलेंगे AJ स्टाइल्स। तो जाहिर सी बात है, नेक्स्ट स्मैकडाउन काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होगी। और इसके साथ ही वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखना। चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक बटन दबाकर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सारे मैचेस की। गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमें स्मैकडाउन के एपिसोड पर इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। और उसका नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर, जो कि होगा सेमस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। और ये मैच कई WWE फैंस देखना चाहेंगे, क्योंकि जेफ हार्डी ने काफी लंबे टाइम के बाद रिटर्न किया है रिंग में, और सेमस भी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं स्मैकडाउन के एपिसोड पर। यहाँ देखना इंटरेस्टिंग होगा कौन किस सुपरस्टार को हराता है और कौन लीड करता है आगे टूर्नामेंट में। क्या सेमस को फिर से एक बार टाइटल पिक्चर में डाला जाएगा? वहीं गाइस, एक और मैच हमें देखने को मिलेगा, ये होने वाला है मिक्स मैच ओटिस एंड मैंडी रोज वर्सेस डॉल्फ जिगलर एंड सोनिया डेविल के बीच में। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ओटिस हैं इस साल मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विनर। तो WWE उन्हें इस स्टोरी में तो ज्यादा देर घसीटेगी नहीं, हमें जरूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा इस मैच में। और WWE ओटिस के ब्रीफकेस को लेकर इस स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। तो दोस्तों, हमें इस मैच में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये तो नेक्स्ट स्मैकडाउन पता चल ही जाएगा। वहीं गाइस, हमें एक और मैच देखने को मिलेगा फीमेल डिविजन की तरफ से। ये मैच काफी बड़ा मैच होने वाला है, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बैली वर्सेज NXT वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के बीच में। ये एक नॉन टाइटल मैच है, पर हमें इस स्मैकडाउन के एपिसोड पर एक तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। और ये मैच एक तरह से ब्रांड वर्सेज ब्रांड मैच है, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच में WWE किसे स्ट्रॉन्ग दिखाती है। बैली के साथ यहाँ पर सासा बैंक्स तो होंगी, पर शार्लेट फ्लेयर को भी WWE काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। और इस मैच के बाद क्या हमें नई लीड देखने को मिलेगी बैली के लिए? सासा बैंक्स किस तरह से हेल्प करती हैं, या फिर सासा बैंक्स धोखा देंगी बैली को? ये सब देखना काफ़ी एक्साइटेड होगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। वही दोस्तों, हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर एक और टाइटल टूर्नामेंट मैच देखने को मिलेगा, जो कि होगा AJ स्टाइल्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच में। और गाइस, क्या आपको पता है, AJ स्टाइल्स रॉ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, पर इस टूर्नामेंट में वो भी कम्पीट करेंगे। तो इस टूर्नामेंट की फाइट के लिए AJ स्टाइल्स नेक्स्ट स्मैकडाउन पर आएंगे, और हमें AJ स्टाइल्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस मैच की विनर प्रेडिक्शन तो काफ़ी WWE फैंस ने करी ली होगी। शिंसुके नाकामुरा तो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल विनर रह चुके हैं, तो यहाँ पर AJ स्टाइल्स हरा के लीड कर सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच के लिए। तो इस मैच में AJ स्टाइल्स जीत कर जा सकते हैं सेमीफाइनल में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल टूर्नामेंट के। और इसी मैच के बाद नेक्स्ट स्मैकडाउन पर हमारे पास चार सुपरस्टार के नाम होंगे, और उन चार में से ही दो सुपरस्टार जाएंगे फाइनल में। और हमें बैकलैश पेपर व्यू में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच का फाइनल मैच देखने को मिलेगा, और जो भी इस मैच में जीतेगा वो बनेगा न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, AJ स्टाइल्स इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच पाएंगे या नहीं। वहीं गाइस, बात करें न्यू डे के बारे में, जो कि अभी करंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन है, और अभी न्यू डे की भी कोई डायरेक्शन फाइनल नहीं हुई है कि अब न्यू डे का अगला अपोनेंट कौन होगा, किस टैग टीम के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे न्यू डे अपनी चैंपियनशिप। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्मैकडाउन पर WWE न्यू डे को किस तरह से बुक करती है, हम न्यू डे के अगेंस्ट देखने को मिल सकते हैं द फॉरगॉटन सन्स। तो अब नेक्स्ट स्मैकडाउन पर पता चलेगा WWE नंबर वन कंटेंडर टीम कहां से निकालेगी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। क्या हमें कोई नंबर वन कंटेंडर मैच देखने को मिलेगा, या फिर WWE कुछ नई स्टोरी लाइन प्लान कर रही है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए? वहीं दोस्तों, बात करें मेन इवेंट के सेगमेंट के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलेगा ब्रॉन स्ट्रोमैन का, क्योंकि वो है यूनिवर्सल चैंपियन। और अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन की भी कोई नेक्स्ट डायरेक्शन फाइनल नहीं है। WWE फैंस को तो ये लग रहा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की अब फूड हमें देखने को मिलेगी द फिंड के साथ, पर हमने पिछले स्मैकडाउन पर देखा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टीम अप किया ओटिस के साथ। तो अब हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन और ओटिस की जोड़ी कितने लंबे तक देखने को मिलेगी, और क्या फिंड आके चैलेंज करेंगे फिर से एक बार ब्रॉन स्ट्रोमैन को, ये तो हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन में पता चली जाएगा। और WWE स्मैकडाउन की तरफ से कौन सा मैच अनाउंस करेगी बैकलैश पेपर के लिए, ये भी देखना काफी एक्साइटेड होगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। तो दोस्तों, ये सारे सेगमेंट और मैचेस तो हमें देखने को मिलेंगे, और भी WWE काफी कुछ दिखाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्मैकडाउन बिल्कुल मिस मत करना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप ब्रॉन स्ट्रोमैन का नेक्स्ट अपोनेंट किसे देखना चाहते हैं बैकलैश पेपर में। और दोस्तों, अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।